बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार पार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार रणभूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब गुड आफ्टरनून आफ्टरन गुड आफ्टरनून सो दिस इज द पार्ट नंबर फोर ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जूनियर मैनेजर एंड एक्जीक्यूटिव डी एफ सी सी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ सेप्टेबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर राइट ये पार्ट नंबर फोर है आई होप कि आपने पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू और पार्ट नंबर थ्री आपने किया होगा राइट एंड अगेन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही गाइडलाइंस देना चाहूंगा एक रफ पेज के ऊपर ब्लैंक पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन सही है कि गलत है क्वेश्चन नंबर टू सही है कि गलत है आप काउंट कीजिए टोटल फोर्टी क्वेश्चन हैं अगर आपके फोर्टी में से थर्टी फाइव थर्टी सिक्स मार्क्स आते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है पेपर का लेवल थोड़ा आसान है ये वाला जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं ठीक है सो लेट अस स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हमने डी एफ का बैच लॉन्च किया है और टेक्स बुक के चैनल पे अगर आपको डी एफ सीसी प्रिपरेशन करनी है अगली एक डेढ़ महीने के अंदर तो आप ये बैच को लेकर के आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और ये बैच जो है इट इज अ पेड कोर्स बट आई कैन हेल्प यू इन वन वे ये जो आपके स्क्रीन पे वरुण एंड कैपिटल ऑफ के का कूपन कोड जो दिख रहा है आपको आप इसका इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वेंटी का फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं एक बहुत ही गुड न्यूज है आप लोग के लिए एक अभी ट्वेंटी फोर आवर्स सेल अभी चल रही है आपका DFCCIL एग्जाम प्रिपरेशन टारगेट सेल विच इज गोइंग ऑन ये जो बैच है आपको फोर्थ ट्रिपल लाइन में मिल जाएगा उसके ऊपर से अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो वरुण एंड कैपिटल ऑफ के इसके ऊपर भी आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आल्सो स्टूडेंट्स अभी आपको पता है कि यूपीपीसीएस की अभी यूपीपीसीएस की अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है तो जिस किसी को भी ए uh, .E. की प्रिपरेशन करनी है किसी भी स्टेट का ए .E. हो यूपी का हो बीपी बिहार uh, का हो मध्य प्रदेश का ए .E. का एग्जाम हो महाराष्ट्र का हो राइट right? सो so, आप इस कोर्स को लेकर के बैच नंबर टू है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो यह भी एक पेड कोर्स है लेकिन आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके वरुण इंडिया कैपिटल ऑफ के आप ट्वेंटी का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं ऑलसो स्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज द ऑनली मोटिवेशन दट वी हैव गॉट फ्रॉम योर साइट इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और ज्यादा लेक्चर्स आप लोग लेके आता रहूंगा चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको लेट अस स्टार्ट विद द दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट डीएफसीएल की जब आप साइट पर जाओगे तो ऐसे आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स पे क्लिक करके अपने डेमो लेक्चर्स को बुक कर सकते हैं आप देख सकते हो डेमो लेक्चर्स को और यहाँ पे आप जो है कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप ट्वेंटी परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते

ग्रेविटी फोर्सेस, राइट इनर्शियल फोर्स अपॉन द ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू द फ्रॉड नंबर सही सो इनर्शियल फोर्स अपॉन द ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल सही जबरदस्त जबरदस्त जिसका भी ये आंसर आया है दैट इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर टू द इनर एनुलर लिंग्स सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ अ ट्री इज कॉल एज बताइए क्या होगा स्टूडेंट बताइए इसका आंसर ये टिम्बर में से क्वेश्चन है आपका डी हार्टवुड बिल्कुल सही हार्टवुड इज द करेक्ट आंसर ये जो टिम्बर है आपका मान लो कि तना आपने काट दिया ये अंदर जो यहां पे रिंग्स होती है ये क्या होता है आपका ये हार्टवुड है दिस इज द हार्टवुड हार्टवुड ऑप्शन नंबर फोर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जबरदस्त जबरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इज

ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए एवरी वन हुर इज वॉचिंग दिस लेक्चर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आप ट्राई कीजिए इसको भले एक गलत आता है इवन इफ इट इज रॉन्ग डजेंट मैटर आप ट्राई कीजिए आया किसी का आंसर देखिए स्टूडेंट आसान है तो क्या बोल रहा है टू डिस्टेंसेज 200 मीटर 298 मीटर तो पहली इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी 200 हंड्रेड इज इक्वल टू के इंटू एस इट्स स्टाफ इंटरसेप्ट इज टू एंड प्लस सी इक्वेशन नंबर वन सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी 298 नाइनटी एट इज इक्वल टू के इंटू थ्री एंड प्लस सी इक्वेशन नंबर आप इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आप, कर जब आप दोनों को कर आपको आपका हो जाएगा टू हंड्रेड इंटू थ्री माइनस टू नाइन एट इंटू टू फोर तो सी की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी फोर सो ऑप्शन नंबर

ध्यान से पढ़िए इज़ दिस लेक्चर अभी तक जवाब नहीं आया है राहुल जी बोल रहे हैं आपका ब्लैक मार्कर सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रेशियन इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ये तो आपका बुक वैल्यू हो गया ठीक है जब भी वॉर वाली बात आ जाएगी उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस वैल्यू और बादशाह आपका ये वाला इसका आंसर ये हो जाएगा तो पहले का सी है सेकंड का बी है थर्ड का ए है सो सी बी एप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर मैं यहां पे मार्क कर देता हूं ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर जबरदस्त चलिए जिसका भी टू आया है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन इन्फेंट्स इज ड्यू टू एक्सेसिव डैश एंड ड्रिंकिंग वाटर बताइए इसका आंसर क्या होगा फोर 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 जबरदस्त जबरदस्त यस रिजू वेरी गुड बहुत बढ़िया राहुल वेरी गुड माधव जबरदस्त राम जी वेरी गुड नाइट्रेट्स बिल्कुल सही द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज 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 नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स द द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर राइट नंबर ऑफ फॉलोइंग अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग आपका जब चेनिंग में नेगेटिव एरर आता है तो इसका कौन सा इसका रीजन अरे क्या बात है राम जी आपने तो उसकी कंसेंट्रेशन ही बता दी कितनी होनी चाहिए 45 फोर्टी पर लीटर बिल्कुल सही संदीप जबरदस्त बहुत बढ़िया इसका बताइए इसका क्या होगा वन सैग इन चेन एरर की बात हो रही है एरर की वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को थ्री बिल्कुल सही आर एन थ्री इज द करेक्ट आंसर ध्यान से पढ़िए ये ना एरर की बात कर रही है यहां पे ये की बात नहीं कर रहा करेक्शन और एरर के बीच में अपोजिट साइन होता है करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव होगा एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी राइट right? अब देखिए सैग इन चेन जब आपकी चेन में सैग आ जाएगा स्टूडेंट तो उसकी लेंथ में वो क्या करेगा अगर मान लो कि टोटल डिस्टेंस है टेन मीटर उसको वह मेजर करेगा पंद्रह मीटर बीस मीटर बिकॉज वो सैग आ चुका है उसके अंदर राइट चेन नॉट बिंग स्ट्रेट अगर चेन स्ट्रेट नहीं होगी वो भी ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगी आपकी राइट राइज इन टेम्परेचर अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा स्टूडेंट तो जो चेन की लेंथ है चेन की लेंथ बढ़ जाएगी अगर उसको 10 मीटर मेजर करना है वो बोलेगी 9 मीटर ही है वो कम डिस्टेंस आपको बताएगी इसका मतलब एरर नेगेटिव होगा राइट तो करेक्ट आंसर इज नेगेटिव एरर राइज इन टेम्परेचर की वजह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर जबरदस्त क्वेश्चन नंबर सेवन द लिमिट ऑफ वॉटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंट्स टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट बड़ा इजी क्वेश्चन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बताइए कौन इसका आंसर देगा आज मैं ज्यादा जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं जूनियर मैनेजर के थोड़े क्वेश्चन है इसमें राइट कल परसों जो मैं लेकर के आया था जूनियर मैनेजर के ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा यस करेक्ट करेक्ट जबरदस्त जबरदस्त वेरी गुड फोर 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 यस वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर श्रिंकेज लिमिट श्रिंकेज लिमिट ही तो है स्टूडेंट्स आप लोग का ये वाला आपको याद होगा ग्राफ ये वाला राइट ये क्या है आपका श्रिंकेज लिमिट ठीक चलिए जबरदस्त वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अक्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच अ कैनाल इज प्रोवाइडेड ओवर नेचुरल ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर आप कैनाल प्रोवाइड करते हो क्या बोलते हैं इसको बताइए फ्रेंड्स बताइए बताइए और कोई और कोई वन होगा सर बताइए आप बताइए क्या होगा बताइए लेवल क्रॉसिंग तो नहीं होगा दिव्यांशु इट वॉज नॉट टू बी लेवल क्रॉसिंग आप बताइए केनाल जो है नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर है स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को जो केनाल है आपकी वो नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर है बिल्कुल सही राहुल फोर इज द करेक्ट आंसर एक्विडक्ट एक्विडक्ट में तो होता है कि ड्रेन आपकी नीचे जा रही है ऊपर से आपका क्या है केनाल आपका पियर्स लगा रखे आपने केनाल आपका ऊपर से जा रहा है राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट फ्लूस वे इन अ इज कॉल्ड बताइए इजी क्वेश्चन है ये भी आपका इट इज एन इजी क्वेश्चन अगर आपने ग्रेविटी डैम्स को पढ़ा होगा तो बताइए वन 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 यस करेक्ट द करेक्ट आंसर इज डेड स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर यस डेड स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जबरदस्त जबरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ध्यान से पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ बीम कंसिडरिंग डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर सेम स्पैन एंड लोडिंग बताइए इसका आंसर क्या होगा ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए सुपर पैसे समझा दीजिए देखिए स्ट्रेंड्स इस लेक्चर में मैं आपको नहीं समझाऊंगा एक मैं आपके लिए स्पेशल लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे तो वहां पे समझा दूंगा मैं आपको ठीक है इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टू आर एन जी बोल रहे हैं टू माधव बोल रहे हैं टू और कोई और कोई राहुल बोल रहे हैं टू वेरी गुड जबरदस्त देखिए स्टूडेंट्स तो आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि लेंथ अपॉन डेप्थ का जो रेशियो होता है ये सेवन होता है कैंटिलीवर के लिए ट्वेंटी होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए ट्वेंटी सिक्स होता है कॉन्टिन्यूस के राइट right? तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो अगर लेंथ कॉन्स्टेंट है तभी तो ये वैल्यू कम होती जा रही है राइट right? तो इसका मतलब कैंटिलीवर के लिए ज्यादा होगा फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होगा और सबसे कम आपका जो डेप्थ होगा ये कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए आपका सबसे कम डेप्थ होना चाहिए अगर लेंथ सेम है तो right? राइट तो इसका मतलब कैंटिलीवर uh, बीम का ज्यादा फिर सिंपली सपोर्टेड बीम का और फिर आपका कॉन्टिन्यूस बीम का ऑप्शन नंबर टू इज द मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज की बात हो रही है बताइए यस करेक्ट सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स से होगा करेक्ट इसका बताइए मेरे को इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। वन सी, राम जी बोल रहे हैं सी पॉइंट थ्री से पॉइंट फोर माधव बोल रहे हैं थ्री पॉइंट थ्री से पॉइंट फोर और कोई देखिए फ्रेंड्स मैं यहां पे लिख देता हूं अगर आपके पास स्मॉल सिटी है तो सीपीसी भी बोलता है जो आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है पर कैपिटा पर डे राइट ये आपका होता है जीरो पॉइंट वन किलोग्राम पर कैपिटा पर डे अगर आपके पास मीडियम साइज की सिटीज हैं उन सिटीज में इसकी जो वैल्यू है 0.3 से लेकर के 0.4 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे आपके पास इनकी वैल्यूज होती है और अगर आपके पास लार्ज सिटीज हैं तो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.5 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे इसकी वैल्यू होनी चाहिए इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लार्ज सिटीज की बात कर रहा है जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 अ रेड लाइट इज यूज़ एज सिग्नल फॉर स्टॉप एज इट इज विजिबल फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंसेस देन अदर कलर्स बिकॉज ऑफ इट्स जो आपकी रेड लाइट है हम लोग ज्यादा यूज क्यों करते हैं सिग्नल्स में राइट right? हम लोग जो है ब्लू लाइट या कोई और लाइट यूज क्यों नहीं करते व्हाट इज द रीजन बताइए सर फॉर फॉरन कंट्रीज हाँ अगर सीपीसीबी की बात करो तो पॉइंट फाइव है बाहर के लिए अलग वैल्यूज है इसकी ठीक है हाँ इसका बताइए इसका क्या आंसर होगा अगर आपको विबग्योर याद हो तो जिसने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे तो मैंने वहां पे आपको वेवलेंथ के बारे में बताया था किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है विजिबल की कितनी वेवलेंथ है इसकी कितनी वेवलेंथ है तो वहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हो ठीक है जब मैंने आपको बताया था एडवांस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वहां पर <coughs> कोई वन बोल रहा है कोई बी बोल रहा है ठीक देखिए स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा इसका इसका जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है इसका लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका बहुत ही कम होता है फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस इट मींस दैट ऑप्शन नंबर थ्री इज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू एनी अदर कलर ऑन विजिबल स्पेक्ट्रम ये इसका मेन रीजन है इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये वाला इट इज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व फॉर रेलवे ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना वेयर द डिग्री ऑफ कर्व इज टू डिग्रीज बताइए आसान क्वेश्चन है भी हाँ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो टू तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता टू में तो आपका वेवलेंथ भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है हाउ इज इट इवन पॉसिबल बेसिक कॉमन सेंस लगाइए टू तो हो ही नहीं सकता थ्री 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 देखिए कैलकुलेट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप डिग्री ऑफ कर्व की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है अगर आप जो है ट्वेंटी मीटर की चेन का इस्तेमाल करते हो डिग्री ऑफ कर्व इज वन वन फोर सिक्स अपॉन आर के आसपास और अगर आप थर्टी मीटर की चेन का इस्तेमाल करते हो तो वन सेवन वन नाइन अपॉन आर के आसपास यहां पे थर्टी मीटर की चेन की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा वन सेवन वन नाइन डिवाइड बाय रेडियस तो आपको निकालना है टू कर हो जाएगा आपका तो रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच 860 के आसपास कुछ रेडियस आ जाएगा इसका मीटर दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री इज द मोस्ट एट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलिए जबरदस्त वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटिफाइड रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल कौन सा इसमें बिल्कुल सही बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है वो आपकी लेयर्स में होती है राइट right? लेयर्स में जिसको हम लोग स्टर्टिफाइड रॉक भी बोलते हैं सो रॉक इज द द करेक्ट आंसर जबरदस्त क्वेश्चन नंबर फोर कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट एंड कंडीशन एंड कंडीशन अलग अलग है इन दिन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो सबसे बाद में आएगा बताइए इसका आंसर क्या होगा <coughs> पढ़िए इसको अच्छे से ध्यान से टू बोल रहा है कोई वन बोल रहा है कोई कोई बोल बोल रहा है, कोई one बोल रहा है कोई one बोल रहा है देखिए कोई कोई देखिए स्टूडेंट्स तो पहले देखते हैं जरा पहली बात तो जो दोनों एंड जब फिक्स होंगे ना इसकी सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है राइट फोर टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई आई एल इफेक्टिव स्क्वायर सबसे ज्यादा इसी की होती है इसका मतलब जो टू होगा ये सबसे ज्यादा होगा इससे कम ही होगा जो होगा इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है या ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है ऑप्शन नंबर थ्री और टू तो हो ही नहीं सकता इसको हटा दो या तो वन करेक्ट होगा या फोर करेक्ट होगा अब बात करते हैं सेकंड और बात करते हैं सबसे कम वाले की सबसे कम किसका होता है तो सबसे कम किसका होगा आपका जो एक साइड से आपका जो है, है फिक्स है और एक साइड से फ्री है उसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है पाए स्क्वायर ई आई अपॉन फोर एल स्क्वायर होता है राइट तो सबसे कम किसका होगा सबसे कम आपका होगा एंड एंड द अदर फ्री इसका मतलब सबसे कम होगा, थ्री वाला और सब से आपका होगा टू वाला है ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं ठीक है तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते चलिए बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन कैलकुलेट द पॉपुलेशन बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड एंड इलेवन बाई द एरिथमेटिकल इंक्रीज मैथड की बात कर रहा है एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड बताइए इसका आंसर क्या होगा तो पहले तो श्रवण जी बोल रहे हैं जूम कर दीजिए थोड़ा आप अगर फोन पे देख रहे हो देखने में दिक्कत आ सकती है श्रवण जी अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा बिकॉज़ मैंने भी यहां बगल में यूट्यूब खोला हुआ लैपटॉप पे तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा बताइए बताइए एवरी टू बोल रहे हैं देखिए उसने तो पहले लिखी लिखिए इसका जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नंबर लीजिए तो, तो, तो यहां पे कितना ग्रोथ है एक लाख नौ हजार में से अगर एक लाख जाएगा तो यहां पे जो चेंज होगा ये आपका चेंज होगा नाइन थाउजेंड का क्लियर यहाँ पे कितना चेंज होगा नौ दस ग्यारह पंद्रह सोलह सात हजार का चेंज यहां पे होगा क्लियर उसके बाद स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट वाले की लास्ट में कितना चेंज होगा आपका ये 16 है 28 है 16 32 तो ये आपका आ जाएगा 12 तो बारह हजार का चेंज आपका यहां पे होगा तो एवरेज चेंज कितना हो जाएगा बार ये आपका हो जाएगा 9000 प्लस 7000 प्लस 12000 डिवाइडेड बाय थ्री ये आपका एवरेज चेंज हो जाएगा एवरेज चेंज की जो वैल्यू आएगी आप हाथ से कैलकुलेट करना मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं 9 plus plus by 3, ये वैल्यू आ गई क्लियर आपका एक्स बार आ गया तो पी एन कितना हो जाएगा आपके पास पी नॉट पी नॉट कितना एक लाख अट्ठाईस हजार वन एट जीरो ट्रिपल जीरो एंड प्लस नंबर ऑफ डिकेड्स ये दो हजार ग्यारह की बात कर रहे हैं कितने डिकेड्स आएंगे 81 से 91,

यस टू 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 बिल्कुल सही वेरी गुड राम जी वेरी गुड श्रवण बहुत बढ़िया यश का भी ठीक है आर्यन राहुल रोहित बहुत बढ़िया आकाश का भी सही है वेरी गुड जबरदस्त चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लाईवुड प्लाईवुड के बारे में कौन सा इसमें करेक्ट है बताइए इसका आंसर क्या होगा कोई वन बोल रहा है कोई टू बोल रहा है और कोई टू यस टू इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट देखिए ये प्लाईवुड बनती कैसे है जो वुड के विनर्स होते हैं विन क्या होता है बहुत ही पतली लेयर होती है वुड की राइट एक लेयर को सीधा रखो एक लेयर को परपेंडिकुलर रखो एक लेयर को सीधा रखो फिर अगली लेयर को परपेंडिकुलर रखो ऐसे आप जो है प्लाईवुड को बनाते हो तो देखिए जरा थ्री और मोर विनर्स इन ऑर्ड नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन अब द अदर विदायरेक्शन ऑफ ग्रेन सक्सेसिव लेट राइट एंगल्स टू इच अदर इसी तरह से आपकी प्लाईवुड बनती है क्वेश्चन कीपिंग अदर पैरामीटर स्टील विच बकलिंग क्लास सेक्शन कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंपेरेटिवली बताइए इसका आंसर क्या होगा चार बकलिंग क्लास होती है a, B, C, तो सबसे ज्यादा जो है कंप्रेसिव लोड कौन सी बकलिंग क्लास ले सकती है बताइए इसका आंसर क्या होगा ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका जो स्टील में से पूछा जाता है बताइए 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 आर एन जी बोल रहे हैं टू बहुत बढ़िया वेरी गुड स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर जो आपका ए बकलिंग क्लास है सबसे ज्यादा लोड यही ले सकती है अगर आपको याद हो तो इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं आपके पास। आपका A जाता है फिर ये यह आपका यहां से ए जो है ये ले सकता है ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर जबरदस्त ये दैट इज करेक्ट आंसर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नाइन

अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडियल कर्व क्या होगा तो सर्कुलर होगा या फिर ये आपका पैराबोलिक हो सकता है पैराबोलिक कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान होती है पैराबोलिक की जो आपके आपके पास पास वैली कर्व होता है ये क्यूबिक पैराबोला होता है क्यूबिक पैराबोला इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रांजिशन कर्व के बारे में पूछ रहा है किसका आंसर आया फोर फोर बिल्कुल सही जो ट्रांजिशन कर्व होता है स्टूडेंट्स आपका ट्रांजिशन कर्व ये आपका होता है स्पाइरल स्पाइरल इसका एक और नाम दिया गया है क्लोथॉइड क्लोथॉइड सो स्पाइरल या क्लोथॉइड सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर कुछ इस इस टाइप टाइप से से बनता है ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द परसेंटेज ऑफ फ्लाई इन हाई वॉल्यूम फ्लाई एस कॉन्क्रीट रटने वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं कर सकते हैं जिसको याद होगा बता देगा नहीं तो आप लोग तुक्का मारोगे इसमें बताइए इस आंसर क्या होगा वन टू वन टू तुक्का मारना स्टार्ट हो गया किसी का तो फंसेगा चलो मारो यस yes, जिसका वन है वो उसका सही फस गया जिसका वन था उसका फंस गया तो इज द करेक्ट आंसर से साठ परसेंट जो है आपका फ्लाई होता है हाई वॉल्यूम फ्लाई फ्लायश कॉन्क्रीट में बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ऐसे क्वेश्चन में ना अपना दिमाग मत लगाया करो स्टूडेंट अगर याद होगा तो कर दोगे याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे मान लो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि टूनेशिया का राष्ट्रपति कौन है अगर आपको पता है तो लगा दोगे टिक अब उसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे कि टूनेशिया का मतलब अच्छा वो टी से स्टार्ट है तो एक बार चेक करता हूं कि टी से कोई राष्ट्रपति का ना, नाम है क्या एमसीक्यू में तो वो तो गलत हो जाएगा ना आपको तुक्के वाली बात हो गई तो ऐसे में अगर आपको आता है तो तो मारिए छोड़ दीजिए ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मेटल शीट फ्रॉम कोरोजन दे आर डिप्ड इन बात ऑफ मोल्टन जिंक टू एड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन टॉप ऑफ इट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बताइए इसका आंसर क्या होगा यस yes, फ्लाई में टेन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट करेक्ट गैलवनाइजेशन बिल्कुल सही देखिए जहां पे भी जिंक की बात आ जाती है जिंक स्टार्ट होता है Z से और गैलवनाइजेशन में भी जेड होता है देखो जेड है तो यही एक तरीका इसको याद करने का कि जहां पर भी जिंक आ जाएगा तो गैलवाइजेशन में भी जेड होता है गैलवनाशन गैलवनाइजेशन इसमें भी जेड होता है तो जेड जेड बोले तो जिंक तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फॉर फोर पॉइंट सिक्स टाइप बोल्ट कंफर्मिंग टू आई एस वन थ्री सिक्स सेवन रेस्पेक्टिव अल्टीमेट टेंट एंडी स्टेंट यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टिल से स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है डी एस सी एल के एग्जाम में पूछाना चाहिए बताइए क्या होगा वन 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 कोई टू बोल रहा है कोई वन बोल रहा है और कोई ये जबरदस्त जबरदस्त द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर दैट इज आपका जो एफ यू होगा इट विल बी इक्वल टू 400 हंड्रेड मेगा पासकल

यस करेक्ट सर डीएफसीएल का एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है कि आप बताइए पुनीत जी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा है लिखा है ठीक है ना कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं होगा अभी तक वैसे कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि कैलकुलेटर होगा कि नहीं होगा तो मान के चले कि नहीं होगा अलाउड ऑप्शन नंबर फोर बोल रहे हैं फोर बोल रहे हैं और कोई सबका जवाब आना चाहिए स्टूडेंट्स सबका जवाब आना चाहिए फोर 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 जबरदस्त फ्रेंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो ये आपका ए है ये आपका बी है राइट right? आपको इसका फोर बियरिंग आपको ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है आपको इसका बैक बियरिंग निकालना है ये आपको निकालना है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये छोटा वाला है उतना एंगल होगा आपके पास 40 डिग्री 15 मिनट्स इसको आप 180 एट्टी में एड कर दीजिए 180 एट्टी प्लस फोर्टी डिग्री फिफ्टी मिनट्स तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इसमें से कौन सा जो है स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता कौन बताएगा सर यूपीपीएससी के लिए सेशन होगा क्या अभी टाइम है उसके लिए तो अभी तो काफी टाइम है यूपीपीएससी के लिए तो, तो होगा उसके लिए भी सेशन अभी नहीं बाद में आर सी सी वर्क यस जहां पे भी आर सी सी के बारे में बात आ जाए समझ जाना वो हमेशा मीटर क्यूब में मेजर होता है तो आपका जो आर सी सी है ये आपका मीटर क्यूब में मेजर होता है ना कि मीटर स्क्वायर में इसका मतलब ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर बाकी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डेड मैन राइट डेड मैन अंडरटेकर की बात नहीं हो रही है डेड मैन इज अ टर्म रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ ये आपका एस्टिमेशन uh, सर्विंग uh, का, का क्वेश्चन है स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा कॉस्ट एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन है डेडमैन का मतलब क्या है? सर एमपीपीएससी ए के लिए भी ठीक है मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा वो लोग क्या बोलते हैं यस थ्री इज द करेक्ट आंसर जब भी डेडमैन का सवाल होगा तो समझ जाना कि एक्सकवेशन या अर्थवर्क की बात हो रही है सो मैन इज रिलेटेड टू दैट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स

तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मॉडल इन टू स्क्वायर रूट ऑफ डी पी एप डी आर इसको आप एल आर बोल दीजिए इसको कैसे भी आप कर लीजिए इसको ठीक है बताइए इसका आंसर क्या होगा सर सिर्फ क्वेश्चंस किस लेवल के प्रिपेयर करने चाहिए स्टेट एग्जाम एंड एस एस सी जेई लेवल के और गेट ई लेवल के आई हैव अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजर फॉर एग्जीक्यूटिव इट हैज़ टू बी जूनियर इंजीनियर लेवल एंड फॉर जूनियर मैनेजर इट हैज़ टू बी ई एस प्री और यू कैन से ई एस ऑब्जेक्टिव एंड प्लस द ए लेवल आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओके वेरी गुड वेरी गुड चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बॉइलिंग ऑफ वॉटर और एडिंग लाइम इन वॉटर विल रिमूव द हार्डनेस ऑफ वॉटर वेन इट इज ड्यू टू बताइए इसका आंसर क्या होगा इजी क्वेश्चन है ये भी आपका पानी को बॉइल करने से कौन सी हार्डनेस रिमूव हो जाती है स्टूडेंट बताइए यस फोर इज द करेक्ट आंसर फोर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम दैट इज द करेक्ट आंसर जबरदस्त जबरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेट ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है इसमें आप अपना ब्रेन इस्तेमाल कीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है अ किलोमीटर स्क्वेर इज रेप्रेजेंटेड बाई वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑन अ मैप द स्केल ऑफ द मैप इज जो मैप है उसका स्केल क्या होगा और जब भी आप स्केल रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो या तो आप लेंथ वाली स्केल को रिप्रेजेंट करोगे या आप विड्थ वाली स्केल को रिप्रेजेंट करोगे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट साइट तो या तो अगर आपको लेंथ पता चल जाए कि जो साइट पे जितना लेंथ था मैंने मैप पे कितना लेंथ ड्रॉ किया है या फिर साइट पे कितना विड्थ था और मैप के ऊपर कितना विर्थ ड्रॉ किया है वहां से आपको स्केल आपको पता चल जाएगी ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप दिमाग लगाइए आप इसको सॉल्व कीजिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हेलो सर कैसे हैं मैं तो अभी आज बहुत बढ़िया आप लेट हो गए बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए मतलब आज के जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सबसे जो दिमाग वाला क्वेश्चन है वो यही है बाकी सब इजी क्वेश्चन है यही बस दिमाग वाला क्वेश्चन ज टू फोर डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो देखिए इसको थोड़ा मैं कैलकुलेट करता हूं इसको बिकॉज शायद आपको दिक्कत आए करने में तो पहले तो एरिया निकाल लेते हैं कि ग्राउंड के ऊपर कितना एरिया है ग्राउंड के ऊपर एरिया जो दिया है ये ट्वेल्व किलोमीटर स्क्वायर दिया है तो क्या मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं ट्वेल्व इंटू टेन रेज टू दावर सिक्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया एरिया मैप के ऊपर कितना है मैप के ऊपर जो आपका एरिया है दैट इज इक्वल टू टीमीटर इंटू पॉइंट सेंटीमीटर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं टेन से मल्टीप्लाई करके तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर मीटर स्क्वायर तो ये मेरा आ गया एरिया ऑन मैप अगर अब मेरे को एरिया का स्केल निकालना होगा एरिया स्केल एरिया स्केल कितना होगा मैप के ऊपर कितना एरिया है 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रिश्त पावर माइनस फोर divided by और ग्राउंड पे कितना है आपके पास 12 into 10 रे टू पावर 6 तो इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपका कितना आ जाएगा इट विल बिकम एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ सो 12 0.75 ये आपका हो जाएगा 16 तो 16 10 की पावर 10 हो जाएगा 16 10 की पावर 10 16 10 की पावर 1 अपॉन 16 10 की पावर 10 हो जाएगा ये आपके पास क्या आ गया एरिया का स्केल आ गया क्लियर

जितना स्केल जितना लेंथ का स्केल होगा उतना ही विड्थ का स्केल भी होगा राइट right? जितना आपका लेंथ का स्केल होगा उतना ही आपका विड्थ का स्केल भी होगा यहाँ पे मेरे पास थोड़ा जगह कम पड़ रहा है मैं एक बार उसका एक स्लाइड को ऐड कर देता हूँ एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट्स मैं एक स्लाइड को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जस्ट बेटा सेकेंड ना थोड़ा जगह कम पड़ रहा है हाँ चलिए इस वाले स्लाइड को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये वाला हाँ, ये वाला स्लाइड को मैंने ऐड कर दिया ठीक है अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं कि जो आपका स्केल होगा स्केल ऑफ लेंथ का जो स्केल होगा आपका वही आपका विड्थ का भी स्केल होगा, स्केल होगा ऑफ विड्थ आपका होगा क्लियर अब जरा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में और क्या दिया यहां पे आपको तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एल अपॉन बिकॉज ये फाइव आपको दिया हुआ है लेंथ का तो एल अपॉन वन इज इक्वल टू विथ अपॉन जीरो पॉइंट फाइव तो यहां से आपका हो जाएगा थ्री तो एल विल to टू थ्री टाइम्स ऑफ बी आपको यहां से मिल गया. ठीक है? अब आप यहां पे पुट कर दीजिए इसको. स्क्वायर सो फोर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व किलोमीटर स्क्वायर तो आपके पास जो बी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा फोर थ्री किलोमीटर स्क्वायर क्लियर सो तीन फोर सॉरी फोर ये आपका थ्री हो गया ना ये आपका थ्री हो गया ये आपका फोर हो गया इफ दिस इज थ्री दिस इज फोर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कर लेते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है डजेंट मैटर एट ऑल तो आपके पास जो है बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा फोर और आपके पास जो है बी आपके पास हो जाएगा टू तो बी आपके पास टू हो गया एल कितना हो जाएगा सिक्स तो एल आपका सिक्स हो गया और बी आपका टू हो गया क्या अब आप यहां से स्केल नहीं निकाल सकते आप आराम से स्केल निकाल सकते हो बिकॉज स्केल अब आपकी कैसे निकलेगी बी आपका जो है टू हो गया और जो एल है आपका ये आपका ये कितना आ गया? L is equal to 6 आ गया गया तो अब आपकी जो स्केल निकलेगी आपकी स्केल स्केल विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये आपका हो जाएगा छेदनी बारह ये आपका हो जाएगा कितना है या पे या पे आपका कितना है ये वाला वन पॉइंट फाइव

फोर जीरो 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 आंसर आ जाएगा इसका बोले तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एक चेक कर लेता हूं मैं फोर डिवाइड बाई ए वाला हाँ सो फोर इंटू टेन टू पावर फोर करेक्ट चले सो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही जिसका भी वन आया था दैट इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन when द ड्यूरेशन ऑफ लीज इज नाइनटी नाइन ईयर इट इज as एज विच टाइप ऑफ लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर नाइनटी नाइन साल के लिए अगर आपकी लीज होती है तो उस लीज को हम क्या बोलेंगे बताइए इसका आंसर मैंने आपको एनडब्ल्यू डी के एग्जाम में भी दिया था जो एनडब्ल्यू डी का एग्जाम था जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था वहां पर भी मैंने आपको इसका आंसर दिया था यस वन इज द करेक्ट आंसर लॉन्ग टर्म लीज लॉन्ग टर्म लीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड्स शुड नॉट एक्सीड जो आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है हिल रोड्स पे वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कौन बताएगा फोर 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 जबरदस्त द करेक्ट आंसर इज फोर टेन परसेंट इज द करेक्ट आंसर टेन परसेंट ज्यादा आपका सुपर एलिवेशन हिल रोड पे नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ध्यान से पढ़िए इसको ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप सर ये डेली सेशन होती है क्या आ, पिछले तीन दिन से तो हो रही है राइट right? तो शायद अभी फ्यूचर में भी होगी फोर 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 देखिए पढ़ लेते हैं एक बार जरा फ्लूड पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग स्ट्रेट पैरल पाथ इन लेयर्स बिल्कुल सही पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल क्रॉसेज द पाथ ऑफ नेबरिंग बिल्कुल नहीं होता तो टर्बुलेंट में होता है रेनॉल्ड रेनॉल्ड नंबर नंबर इज इज लेस देन देन बिल्कुल सही मोर ये तो टर्बुलेंट में होता है ये गलत है आपका तो और जो है आपका ये करेक्ट है इसका मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर जबरदस्त ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोरिनेटिंग एजेंट डी क्लोरिनेटिंग एजेंट इसमें से कौन सा जो है डी क्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं है बताइए सर फुल टेस्ट लीजिए ना जितना जितना क्वेश्चन पूछता है सब सब्जेक्ट से डी एस से में उतना उतना क्वेश्चन सेंड कराइए ना ठीक है ठीक है ठीक है ओके कर देंगे इसको ये मैं लास्ट में सोच रहा हूँ सुधीर जी एक बार सर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं जितना क्वेश्चंस का हो सके लास्ट में दो तीन में आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट करा दूंगा जिसमें आपका जो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है वैसे ही आपके क्वेश्चन में कराऊंगा ठीक है तब तक आप इसका आंसर दीजिए मेरे को फोर फोर बिल्कुल सही स्टूडेंट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका एजेंट आपका नहीं है

वन 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 जबरदस्त स्टूडेंट तो सी थ्री ए इज द करेक्ट आंसर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो सी थ्री ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ OPC OPC की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है पार्टिकल्स की सर एज पर डीएफसी सिलेबस के हिसाब से उसको भी कराएंगे पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए भवेश जी वो मैं कराऊंगा आपको तीन चार दिन के बाद ठीक है ना उसके हिसाब से पूरा कराऊंगा चिंता मत कीजिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ इज द क्लोजिंग एरर इन द बियरिंग ऑफ साइडेड ट्रेवर्स देन वॉट विल बी द करेक्शन इन द फिफ्थ बियरिंग जो लास्ट की बियरिंग है।, है उसमें कितना आप करेक्शन लगाओगे बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला गलती मत कर देना इसमें थ्री बोल रहे हैं देखिए को। है, है। yes, e है, तो रूल से आप कैसे इसको हटाते हो सबसे पहली वाले साइड में ई बाई फाइव करोगे सेकंड में टू ई बाई फाइव होगा थर्ड में थ्री ई बाय फाइव होगा फोर्थ में फोर ई बाई फाइव होगा और फिफ्थ में फाइव ई बाय फाइव होगा तो फाइव से फाइव कट जाएगा फिफ्थ में आपका ई e लगेगा तो ई इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सैंड ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ई के एग्जाम में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है आपका जेई के एग्जाम्स में भी आ चुका है बताइए इसका आंसर क्या होगा ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका

इसको आप काट दीजिए तो ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री किस में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री हाँ ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर आपका जो फाइन सैंड है उसमें आपका क्विक सैंड कंडीशन बहुत जल्दी आता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वाटर फॉर इरीगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पर ईयर इज कॉल्ड एज किस टाइप का वाटर उसको बोलते हैं या किस टाइप का इरीगेशन उसको बोलते हैं जबरदस्त पेरिनियल और ये भी दो डायरेक्ट होता है जैसे मान लो गंगा रिवर से कर दिया या फिर यमुना रिवर से कर दिया आपने सो पेरिनियल इज द करेक्ट आंसर जो पूरे साल भर आप इरीगेशन कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरमीडियंट वेल्ड शैल बी जो मिनिमम लेंथ होती है इंटरमीडियंट वेल्ड की वो कितनी होनी चाहिए बताइए इसका क्या हुआ जवाब टू 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 सुधीर बोल रहे फोर दि वैन शू टू बिल्कुल सही स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज फोर टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड और फोर्टी एम एम जो भी इनमें से मिनिमम होगा दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच फॉर अ पाइप ऑफ डायमीटर वन मीटर वेन रनिंग फुल द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये आपका ये आपका पूरा पाइप है ये पूरा पानी से भर के लबालब चल रहा है मान लो कि इसका डायमीटर इसका डी है डी इज द द पाइप तो आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी होगी आसान क्वेश्चन है बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो so, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर वहां से आप आराम से निकाल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर कोई फोर बोल रहा है कोई थ्री बोल रहा है बिल्कुल सही स्टूडेंट बिल्कुल सही डी बाई फोर अगर आपको याद भी हो तो आप डी बाई फोर से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते पॉइंट टू फाइव इसका आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताइए इसका आंसर क्या होगा थ्री कोई थ्री बोल रहा है कोई फोर बोल रहा है देखिए स्टूडेंट्स ये जो सिलेंडर सेक्शन होता है सिलेंडर सेक्शन इसमें बहुत जल्दी बकलिंग हो जाती है बकलिंग तो सिलेंडर सेक्शन को आप कभी भी कंप्रेशन मेंबर की तरह इस्तेमाल आप नहीं कर सकते यू कैन नेवर यूज द सिलेंडर सेक्शन एज द यू कैन से कंप्रेशन मेंबर कंपेक्ट ये तो छोड़िए इसको अ सिलेंडर सेक्शन शैल नॉट बी यूज एज अ कंप्रेशन मेंबर दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ठीक है तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन सो वी हैड यू कैन से फोर्टी क्वेश्चन फॉर यू अगर आपके इन फोर्टी में से थर्टी फाइव या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अभी तक ओके okay है क्लियर अगर आपके लेस देन थर्टी फाइव आ रहे हैं इसका मतलब यू नीड इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स यू नीड इंप्रूवमेंट तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग के लिए मैं 60 एम लेकर के आऊं अगले लेक्चर में ठीक है तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा फ्रेंड्स सो थैंक यू एवरीवन हैव अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग आप अपना ध्यान रखिए ठीक है बायस बाय टेक केयर